इस यात्रा में न जाने ये कौन से लोग हैं। हर गांव में, हर जिले में, हर तहसील में इस तरह की यात्राएं चलती रहती हैं। ये है कौन लोग जो परेशान है, भीड़ पे भीड़ लगाए जा रहे हैं, पर इनकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। ये शासन प्रशासन का दिखावा है क्या है, ये मेरे समझ से परे है। मेरे बात समझ में नहीं आती कि इतनी भीड़ रहती क्यों है, जब गांव-गांव, कस्बे-कस्बे विकास यात्रा ऐसे योजनाएं, मतलब ऐसी यात्राएं करके उनकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते रहते हैं, फिर भी इनकी समस्याएं खत्म क्यों नहीं होती। या तो सरकार की कथनी करने में कुछ अंतर है, या कहीं ना कहीं तो समस्याएं हैं, ये लोग परेशान क्यों हैं। धन्यवाद। कई बार शिकायत की अपने गाँव में तीन जगह से उसकी वजह से बहुत सारी शिकायत की, उससे आज तक सुनवाई नहीं है। इसमें जल संसाधन विभाग के जो यहाँ पे हैं और जो नहर परियोजना के जो कार्यपालन यंत्री साहब हैं, उनमें भी चर्चा हुई है, अभी भी हम चर्चा करेंगे। उसमें ये पहले भी आई है, जन सुनवाई वगैरह में भी मुद्दा आया है कि हमें नहर के कारण थोड़ा बहुत कुछ किसानों के फसल में पानी भर जाता है, जिससे इसमें जो भी विभाग के नियम होंगे, या तो नुकसानी के कारण मुआवजा देने का, या फिर इसके व्यवस्थित निष्कासन का, इन दोनों में से कुछ न कुछ उपाय इसमें से चर्चा करके कर। सर, ये पहाड़ का किनारा है, तो इस पहाड़ के किनारे में सर जो आस पास के गाँव हैं ग्रामीण अंचल के, तो वहाँ के जानवर लाके यहीं छोड़ देते हैं, और उसी ही वजह से सर पूरे गांव के लोग त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनके फसल खा जाते हैं। उसके लिए सर कोई प्रॉब्लम ये जो बाकी जो जो आसपास के गांव मवेशी वगैरह आसपास के गांव के अंदर ये पहाड़ के किनारे पहुँचते यहीं लाके छोड़ देते हैं। इधर देखिएगा पहाड़ के किनारे गाँव के लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया, तो उसकी समस्या के लिए सर देखिए इसमें थोड़ा इसमें प्रयास करने की जरूरत तो है ही। कुछ हमारे पास जो गौशालाएं बने हैं हम उनको भी संचालित करेंगे, और इस तरह के जगह हम अन्य क्षेत्रों में भी थोड़ा विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि इस तरह से एक जगह बहुत ज़्यादा मवेशी ना आ जाए और उनसे ज़्यादा नुकसान हो। बट इसमें थोड़ा सा यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों से भी थोड़ा इसमें सहयोग करने की आवश्यकता होगी, और कुछ जगह पे अगर हम कर लेंगे, हर जगह कुछ पहाड़ी वगैरह को अगर डेवलप करेंगे तो थोड़ा सा इससे नुकसान तो कम होगा। एक खबर पर इस तरह की यात्राएं, ये कौन लोग हैं सर, जितनी भी जगह जाएंगे तो यहाँ पे भीड़ पे भीड़ दिखती है, ये कौन लोग हैं सर, इनकी समस्याओं का निदान भी नहीं हो पा रहा है सर, ये है। हमेशा ये जो योजनाएं हैं, योजनाओं में पात्रता एक क्या है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो निरंतर जो पहले अपात्र थे वो पात्र होंगे, जैसे पेंशन योजना जो 60 वर्ष की आयु जिन्होंने पूरा की तो हर साल इसमें कुछ लोग नए जुड़ेंगे ऐसे हैं, या परिवार में पहले संयुक्त परिवार के लोग थे, अब उन्होंने निश्चय किया कि अब हम परिवार अलग कर लेंगे क्योंकि इसकी आईडी होती है, अब जैसे ही आईडी अलग होगी तो वो अपात्र हो जाएंगे, फिर उनका नाम जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो सर आईडी से निकलता है, यहाँ पे किसी से पूछ लीजिए, अपनी एक आईडी चेंज करानी होती है तो कहाँ जाते हैं, किस पे चेंज कराते हैं, कितना पैसा देते हैं? ठीक है, इसमें जो आईडी जो चेंज कराने का, समग्र आईडी आप अगर चेंज कराते हैं तो इसके लिए जो राज्य शासन ने प्रक्रिया भेज दी है, ठीक है, दो स्तर हैं इसमें, या तो ग्राम पंचायत पे आप करेंगे, अगर ग्राम पंचायत पे कोई आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय जिला पंचायत सीएम साहब, साथ में हो चुका है आपके ही कार्यक्रम द्वारा, तो आपका सम्मेलन किए जाएंगे।